दोस्तों, अगर आप भी जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतज़ार पूरा विश्व कर रहा है और कई सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो अपने अंतिम ट्रायल में भी पहुंच गई हैं। ऐसे में दोस्तों, हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और वो ये है कि रूस में निर्मित कोरोना का टीका हमारे देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि देश में विकसित दो टीके तीसरे चरण के परीक्षण में हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका भी भारत में तीसरे चरण में है, लेकिन रूस का टीका बन चुका है और इस्तेमाल भी हो रहा है। ऐसे में रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार ने रूस से बात करके वैक्सीन लेने की डील तो की ही थी और अब इसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में ऐलान किया है कि जुलाई 2021 तक करीब 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने ये दावा किया है उससे ये संभावना दिख रही है कि रूस में बने टीके को भारत सरकार टीकाकरण के लिए जल्द ही कराने जा रही है। तारीख की बात करें तो वो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में ही टीकाकरण शुरू हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारों का ये कहना है कि जो तीन टीके अभी तीसरे चरण में हैं उनके नतीजों के आए बगैर टीकाकरण का दावा करना मुश्किल है, जबकि रूस का टीका तैयार हो चुका है। सरकार के पास विकल्प है कि उसका परीक्षण भारत में चाहे तो करे या फिर बिना करे भी इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। इसलिए ये माना जा रहा है कि रूस से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद ही ये घोषणा हो पाएगी। सूत्रों के अनुसार रूस से टीके की खुराकें भी ली जा सकती हैं और दूसरा विकल्प ये है कि रूस भारत को तकनीक दे देगा और सरकार टीका निर्माता कंपनियों से अपनी ज़रूरत के लिए टीका बना ले। इसके अलावा मौजूदा पेटेंट कानूनों के तहत महामारी की स्थिति में सरकार के पास ये अधिकार रहता है कि किसी भी दवा या टीका का निर्माण वो अपने देश में करा सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत भी कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में शामिल है। अमेरिका के बाद भारत में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में देश के लोग भी ये चाहते हैं कि जल्द कोई कारगर और सुरक्षित वैक्सीन आए। भारत की बात करें तो फिलहाल देश में तीन कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये सभी टीके ट्रायल के अलग अलग चरणों में हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए सभी देश जुटे हुए हैं और हर रोज वैक्सीन से जुड़ी कई सारी बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन से भिड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों पर किए गए शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया महज 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश है। पिछले महीने ही क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और बायोटेक कंपनी CSL ने ब्रिस्बेन के 120 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की खुराक देना शुरू किया था। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एसोसिएट प्रोफेसर कीथ चैपल ने कहा कि यूरोप में इस वैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर भी किया गया और वो भी पूरी तरह से सफल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुए इंसानी ट्रायल में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में इंसानों पर 17 वैक्सीनों के ट्रायल शुरू हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में हुआ ट्रायल उन्हीं में से एक था। ऐसे में दोस्तों, अब वैक्सीन तैयार करने की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की ये वैक्सीन तैयार होने से आप खुश हैं या नहीं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत को ऑस्ट्रेलिया की ये कोरोना वैक्सीन कब तक मिल सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक तरह से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज 2 और फेज 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के सफल ट्रायल के बाद इसे हरी झंडी दी जा सकती है और ये प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 130 वैक्सीनों पर काम चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन कैंडिडेट ने प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में सफल होने के गुण प्रदर्शित किए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन की खरीदारी के लिए समझौता किया था। अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सफल रहती है तो ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती दिनों में ही सप्लाई मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि देश में कोरोना की वैक्सीन बनाई जाएगी और सबको फ्री में दी जाएगी। उन्होंने वादा किया कि वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया की पहुँच में है। PM मॉरिसन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्वेडिश ब्रिटिश फार्मेटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन की डील की गई है।
ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो हम इसे खुद बनाएंगे और अपने 2.5 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में देंगे। तो दोस्तों, ऐसे में जैसा कि आपको पता हो कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये ऐलान किया था कि भारत में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी और पीएम के प्रधानमंत्री ने भी ऐलान किया है, तो ये एक अच्छी खबर है कि देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये सब उन्हें फ्री मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। कई सारे देश रूस की इस कोरोना वैक्सीन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत सरकार का ये मानना है कि जल्द से जल्द भारत की वैक्सीन लॉन्च हो, जिससे कि उसमें किसी भी तरह की शिकायत ना हो। यही कारण है कि अब वैक्सीन के मामले में सरकार और भी ज़्यादा सक्रिय हो गई है और कई सारी कंपनियों से पहले ही वैक्सीन के पोस्ट प्रोडक्शन की बात की जा चुकी है। आपको बता दें, इस समय भारत में कोरोना की कुल 3 वैक्सीन बनाई जा रही हैं। हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में 3 कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत में 2 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है और वहीं दूसरा वैक्सीन प्रोजेक्ट जायडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड का है। कोवैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सरकारी एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शामिल है। जिस तरह से भारत में वैक्सीन पर काम हो रहा है, उसे देखकर ये भी दावा किया जा रहा है कि दुनिया को दूसरी कोरोना वैक्सीन भारत ही ला कर देगा। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। इस समय भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की रेस में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे आगे है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेवलप की गई वैक्सीन का ट्रायल और प्रोडक्शन कर रही है। कंपनी को सरकार से वैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी मिली है, लेकिन केवल भविष्य में इस्तेमाल के लिए। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों के भीतर बाजार में उपलब्ध होगी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कंपनी का ये कहना है कि ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन बाजार में तभी आएगी जब ट्रायल सफल हो और रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने एक बयान में कहा कि सरकार ने अभी हमें केवल भविष्य में इस्तेमाल के लिए वैक्सीन की उत्पादन की अनुमति दी है। कंपनी ने साफ कहा कि कोविशील्ड को तभी कॉमर्शियलाइज्ड किया जाएगा जब ट्रायल्स में इसे सफलता मिले और फिर रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिल जाए। हाल ही में दोस्तों, ऐसे में ये भी सुनिश्चित पूरी तरह से हो चुका है कि दिसंबर से पहले भारत को कोरोना वायरस की अपनी खुद की वैक्सीन मिल जाएगी। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। कंपनी ने कहा कि एक बार वैक्सीन प्रतिरोधी और प्रभावी साबित हो जाए तो वो उसकी उपलब्धता की पुष्टि करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी एक वैक्सीन कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के 3रे चरण में है। सरकार SII के अलावा कई फार्मा कंपनियों से संपर्क में है और ज़्यादा से ज़्यादा टीके हासिल कराना चाहती है। अगर ICMR और भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की SciCoV-D ट्रायल में सफल होती है तो उनके ऑर्डर्स भी जल्द ही दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ये तो कंफर्म हो गया है कि इस साल के अंत तक भारत भी कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल कर लेगा। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ, रूस ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस की एक और नई वैक्सीन तैयार कर ली है। इससे पहले 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने कोरोना वायरस की सफल वैक्सीन तैयार कर ली है। ऐसा करने वाला रूस पहला देश बन गया था। रूस ने पहली कोरोना वैक्सीन के उपयोग की इजाज़त भी दे दी थी। अब रूस ने दूसरी वैक्सीन तैयार करने का भी दावा किया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का कहना है कि पहली वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए थे, वो नई वैक्सीन लगाने पर नहीं होंगे। रूस ने पहली वैक्सीन का नाम Sputnik V रखा था, वहीं दूसरी वैक्सीन को EpiVac कोरोना नाम दिया गया है। रूस ने EpiVac कोरोना वैक्सीन का निर्माण साइबेरिया के वर्ल्ड क्लास वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट वेक्टर स्टेट रिसर्च ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में किया है। पहले यह इंस्टीट्यूट टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन रिसर्च प्लांट हुआ करता था। रूसी वैज्ञानिकों का यह दावा है कि EpiVac कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर में पूरा होगा, लेकिन जिन 57 वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई है, उनमें से किसी को भी साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ा है। सभी वॉलंटियर्स स्वस्थ हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अब अपनी दूसरी वैक्सीन दुनिया के सामने लाते ही रूस ने एक बार फिर से सभी को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया है। अब कोरोना का अंत जल्द ही हो सकेगा।
इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारत को भी ये वैक्सीन जल्द से जल्द मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे में भारत को वैक्सीन मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी।